हेलो एवरीवन, तो हम रिवीजन कर रहे थे चैप्टर सेकंड का वर्ड विचार। तो लेसन तो हमने पूरा रिवाइज कर लिया था, अब हमको एक्सरसाइज का रिवीजन करना था। तो पहले हम देखते हैं, चैप्टर हम रिवाइज कर चुके हैं, तो हम देखते हैं हमने सीखा अर्थात हमने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा वो हमको यहाँ बताया जाता है, यानी ये चैप्टर का पूरा निचोड़ होता है। तो हमको देखना है हमने क्या सीखा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है, तो हम समझ गए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ड है। या वर्ड क्या है, वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है। फिर है वर्ड दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो आपको मैंने लेसन एक्सप्लेन करते समय बता दिया था वर्ड कितने प्रकार के होते हैं। वर्ड दो प्रकार के होते हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर तीन प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। व्यंजन भी आपके तीन प्रकार के होते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर व्यंजन के साथ स्वर का जो मिला हुआ रूप होता है उसे क्या कहते हैं, तो वह मात्रा कहलाता है। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। दो व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसके अलावा मैंने आपको द्वितीय व्यंजन बताया था, संयुक्त व्यंजन द्वितीय व्यंजन दोनों में अंतर क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। स्वरों की संख्या क्या है, तो आप जानते हैं स्वरों की संख्या 11 है। फिर है सख सह क्या है, तो सख सह ऊष्म व्यंजन है। फिर दो व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजन क्या कहलाते हैं, तो संयुक्त व्यंजन। अभी मैंने आपको तुरंत बताया दो व्यंजनों के योग से जो व्यंजन का बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे छ है, त्र है, ज्ञ है, स्र है, ये संयुक्त व्यंजन है। और इसके अलावा हम अलग से शब्द लिखते समय जो दो व्यंजनों का प्रयोग करते हैं उसको भी हम संयुक्त व्यंजन ही बोलते हैं। और जब दो समान व्यंजन एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं तो समान वर्ण, तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। अब है वर्णों के साथ लगे चिन्ह के आधार पर नीचे लिखे शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। तो यहाँ तीन प्रकार के शब्द आपको लिखने हैं, अनुस्वार युक्त शब्द, विसर्ग युक्त शब्द, हलंत युक्त शब्द। तो यहाँ देखिए अंगूर है, उमंग है, गंगा है, इनमें अनुस्वार का प्रयोग हुआ है तो ये अनुस्वार में आ गए तीनों। फिर विसर्ग आप जानते हैं वर्ड के सामने जो दो छोटी बिंदु होती है उसे विसर्ग कहते हैं, अह जिसका अह के रूप में हम स्वर में जिसका उच्चारण कहते हैं, या अयोग वाह जिसको हम कहते हैं। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग ये तो तीनों अयोग वाह में आते हैं। फिर है विसर्ग, तो विसर्ग में प्रातः, दुह शासन, यहाँ पे विसर्ग यहाँ दुह के बाद आ गया। फिर प्रायः यहाँ पे आ गया विसर्ग, तो ये क्या हो गया, ये विसर्ग का तीन शब्द हो गया। फिर हलंत है, हलंत में जो व्यंजन वर्ण बिना स्वर वर्णों की सहायता के बोले जाते हैं उसमें हलंत का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए अद्भुत है, तो द के नीचे हलंत आ गया क्योंकि द के उच्चारण में स्वर नहीं है। फिर विद्यालय है, यहाँ भी द के उच्चारण में स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। विद्यालय बोलने में हम डायरेक्ट वी के बाद य पे आ जाते हैं जिसमें स्वर मिला हुआ है, द में कोई स्वर नहीं, किसी स्वर का सहयोग नहीं है। फिर उद्देश्य है, तो यहाँ जो दूसरा द है इसमें तो हम स्वर का प्रयोग करते हैं और यहाँ पे द जो है इस स्वर रहित द है, तो इसी को द्वितीय व्यंजन भी कहते हैं। देखिए दोनों समान वर्ण हैं और एक स्वर सहित है एक स्वर रहित है, तो ये द्वितीय व्यंजन का भी प्रयोग आपका हो गया। और यहाँ पे हलंत युक्त शब्द लिखने हैं तो ये उद्देश्य हो गया आपका हलंत युक्त। अब आपका नीचे दिए गए व्यंजनों के संयोग से बनने वाले दो दो शब्द बनाइए। क स से मैंने आपको बताया छ बनता है, तो इससे आपको क्षमा, क्षति, परीक्षा, जो भी आपको छ से शब्द आए वो आप दिमाग में रख सकते हैं, लेकिन मैंने आपके बुक में जो दो फील करवाया है ये तो आपके दिमाग में रहेगा ही रहेगा, तो आप रिवीजन कर लेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। फिर स और र से, स यहाँ र का एक अलग ही प्रयोग हो जाता है स के साथ, आपको मैंने ये भी बताया था, तो यहाँ पे हो गया है स्र, और स्र से बन गया श्रम, श्रमिक भी बन सकता है, परिश्रम भी बन सकता है। फिर यहाँ पे हो गया श्रवण,
श्रावण भी आप कर सकते हैं, जो कि इस समय मंथ चल रहा है सावन, श्रावण का मंथ जिसको हम हिंदी में तद्भव में सावन बोलते हैं, तो ये श्रवण हो गया। फिर ज और य से क्या बनता है, कौन सा संयुक्ताक्षर, ज्ञा संयुक्ताक्षर बनता है, तो ये ज्ञानी इससे बन गया, ज्ञान बन गया, अज्ञान भी बन सकता है, अज्ञानी भी बन सकता है, इस तरह से विज्ञान भी बन सकता है, कोई भी ज्ञा संयुक्त शब्द आप लिख सकते हैं। तो मैं इसलिए ज़्यादा बताती हूँ कि कोई तो आपके दिमाग में रहेगा, कभी मान ऐसा होता है कि दिमाग से चीज़ें निकल जाती हैं सडनली, तो जब हम कई चीज़ों के बारे में जानते हैं तो कोई भी आ सकता है आपके दिमाग में। यहाँ पे त्र से त्र बनता है, तो त्र से कोई भी शब्द आप बना सकते हैं, त्रिशूल है, पत्र है, त्रिमूर्ति है, त्रिभुवन है, त्रिलोक है, इस तरह के शब्द आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो ये हो गए संयुक्ताक्षरों से बने शब्द, इस तरह के आप कोई भी शब्द अपने दिमाग से भी बना सकते हैं। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए वर्णों से ऐसे तीन तीन शब्द लिखिए जिनमें इन वर्णों का प्रयोग किया गया हो। तो ढ है, ढ से ढक्कन, ढोलक, ढाल, ये तीन शब्द बन गया। ये उसके बाद ढ से ये शब्द निर्मित हुआ है, इसको अतिरिक्त व्यंजन बोलते हैं ढ। तो ढ का प्रयोग मैंने आपको लेसन के रिवीजन कराते समय बताया कि इसके प्रयोग से शब्द का आरंभ नहीं होता है, ये हमेशा शब्द के बीच में ही आते हैं या शब्द के लास्ट में आते हैं, आरंभिक वर्ण ये नहीं होते हैं ढ और ढ दोनों। तो पढ़ना है, बूढ़ा है, रूढ़ है, ये क्या है, ये सब ढ युक्त शब्द हैं। इसके बाद ड से डमरू, डलिया, डाकू, डफली, डोली, कुछ भी आप बना सकते हैं। फिर ड है, तो ये पेड़, सड़क, मोड़, ये आपके ड से बन गए, ये भी अतिरिक्त व्यंजन में आता है, ये दोनों व्यंजन जो हैं अतिरिक्त व्यंजन में आते हैं। फिर न है, न से आप नल, नहर, नदी, नाम, ये सब लिख सकते हैं। फिर ड है, ड से आप कृष्णु, कृष्ण, विष्णु, वर्ण, व्याकरण, इस तरह के शब्द आप लिख सकते हैं। तो ये आपके हो गए वर्णों से बने शब्द, ये कुछ वर्ण आपके दिए गए थे जिनसे इन शब्दों का निर्माण हुआ है, जिनके द्वारा ये शब्द पूरे हुए हैं। तो इस तरह से आप शब्द कंप्लीट कर सकते हैं। फिर वर्णों के मेल से शब्द बनाइए, यानी वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद यहाँ पे हुआ है, आपको सिर्फ शब्द बनाना है। तो देखिए यहाँ क है, हलंतयुक्त क है, फिर री लगा है, तो ये क्या बन जाएगा, क्री बन जाएगा आपका। फिर क्योंकि कर के बाद आ नहीं है, तो ये कर न बन के री है, तो री स्वर में आता है, तो ये क्री हो गया आपका। फिर प है, फिर प के बाद आ है, तो पा हो गया। फिर ल है, ल के बाद ऊ है, तो ये लू हो गया। तो इसका शब्द आपका बनेगा कृपालु, ये कृपालु हो गया। फिर है स, धन ई, धन क, धन स, धन ई, धन क, धन आ, तो स ई से सी बन गया। फिर क स से क्या बना आपका, छ संयुक्ताक्षर बन गया। फिर इसमें छोटी ई जुड़ गई, तो ये शिक्षी हो गया। फिर क धन आ शिक्षिका, यहाँ आपका शिक्षिका शब्द हो गया। फिर य धन अ यानी य, फिर श धन अ यानी यश, फिर स धन व यानी स्व, ई यशस्वी, यहाँ पे आपका यशस्वी निर्मित हो जाएगा। फिर है स धन आ धन म धन आ धन न धन अ, तो ये हो गया सामान। स के बाद आ है, फिर म है, फिर आ है, तो सामा न, न जो है इसमें सिर्फ अस्वर लगा है, तो अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती आप जानते हैं, लेकिन ये हर वर्ण के साथ होता है, तो ये सामान हो गया आपका। फिर है क धन अ धन व धन ई, तो क अ क हो गया, व धन ई कवि हो गया। तो ये आपके वर्णों का मेल हो गया, यहाँ पे वर्ण विच्छेद दिया हुआ है, तो यहाँ पे वर्णों का मेल हो गया। इसी प्रकार से अगर ये शब्द आपके सामने रख दिया जाए और आपको बोला जाए कि वर्ण विच्छेद कीजिए निम्नलिखित शब्दों का, तो आप इस तरह से आराम से वर्ण विच्छेद कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इनको इतनी डिटेल में आपको समझाया है। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको टिक करवा दिए हैं बुक में, और आपको एक्सप्लेन करते समय लेसन भी बता दिया कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं,
स्वर और व्यंजन का अंतर उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो आप स्वर और व्यंजन का अंतर कैसे लिखेंगे? स्वर और व्यंजन का डिफिनेशन लिखेंगे, फिर स्वर के उदाहरण अलग लिखेंगे और व्यंजन के उदाहरण अलग लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसका पूरा एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों आपका रिवीजन हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन होगा अगले वीडियो में। थैंक यू।